फरीदाबाद में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इस मेले का आगाज होगा और इसे लेकर आज प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। तमाम जो है मेले से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बार बहुत कुछ खास इस मेले में नजर आएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका दबदबा रहेगा। आप देखेंगे कि चाहे हम मेले की बड़ी चौपाल की बात करें या मेले के चप्पे चप्पे पर नॉर्थ ईस्ट की कला और संस्कृति की झलक जो है मेले में दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस बार मेले का जो खास आकर्षण होगा वो G20 के राजदूत भी इस मेले में शिरकत करने जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने देश की छवि को G20 के राजदूतों के बीच बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है। पूरा जो मेला है इस बार इको फ्रेंडली रखा गया है। इसके अलावा सुरक्षा की यदि बात की जाए तो CCTV की जद में पूरा कैमरा नज़र आएगा। तमाम जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। जेब कतरों से सावधान रहे प्रेस वार्ता में ये अपील की गई है और इसे लेकर सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई जो है अवांछनीय व्यक्ति असामाजिक व्यक्ति किसी गतिविधि को करते हुए अंजाम देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तकनीक से लैस होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। डिजिटल भारत की झलक इस पूरे मेले में नज़र आएगी। QR कोड्स लगाए गए हैं जहां से लोग उस QR कोड को स्कैन करके इस बात का पता कर सकते हैं कि वे किस स्टॉल पर किस हस्तशिल्प कला से रूबरू हो सकते हैं। मेले में आए हस्तशिल्पियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का भी जो है इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और इस बार कोरोना काल के बाद एक बार फिर अपने भव्य रूप में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला नज़र आने लगा है। जितने जो है सरकार उत्साहित है, जितना मेला प्रशासन उत्साहित है, उससे ज़्यादा कहीं लोग उत्साहित है। और कयास लगाया जा रहा है कि इस बार मेले में जो दर्शकों का आगमन होगा वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। हालांकि इस बार व्यवस्था की यदि बात करें तो जैसे ऑनलाइन टिकटिंग की बात की गई है प्रेसवार्ता में तमाम अधिकारियों ने बताया है। इसके अलावा पार्किंग भी ऑनलाइन लोग यहां पर बुक करा सकेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इसे लेकर लोगों को करना पड़ता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तमाम देश विदेश के कलाकार अपनी हस्तकला का साथ साथ अपनी लोक कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकेंगे, इसे लेकर तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि जब आगाज़ इतने बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया गया है तो मेला इस बार किस तरह से अपनी रौनक बिखेरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक बार फिर सूरज कुंड मेला सुर्खियाँ बटोरने में कामयाब साबित हो पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।